सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और भाई गर्मी यार बहुत ज़्यादा हो रही है, तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो भाई, इतनी गर्मी में वीडियो शूट कर रहे हैं। तो बैक टू वीडियो। तो भाई आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसा मैंने बोला था पिछली वीडियो में, कि इसमें है ब्लूटूथ हमारी अर्जी में। ये वाला जो है वेरियंट आपको बताई है, स्टैंडर्ड वेरियंट जो है इससे पहले वाला, उसमें ब्लूटूथ नहीं आता, इसमें आता है ऊपर वाले वेरियंट में। और जो डीलक्स वेरियंट है इसका, उसमें भी डीलक्स वाले मॉडल में भी ब्लूटूथ आता है। तो आज मैं बताने वाला हूँ इसका भाई सिंपल से स्टेप्स में, ब्लूटूथ कैसे कनेक्ट करना है, क्या क्या फीचर्स मिलेंगे आपको ब्लूटूथ में। तो चलो भाई, साइड में स्क्रीन आ रही होगी आपके, यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे इधर कहीं। तो अपना शुरू करते हैं कि कनेक्ट क्या करना है। तो सबसे पहले तो भाई आपको प्ले स्टोर पे जाना है, तो को मैं कर लेता हूँ ज़रा। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है, और यहाँ से जो है हवाई कनेक्ट ऐप जो है यामा की, वो आपको इंस्टॉल करनी है। FV S के लिए आपको ये वाली करनी है, जिसमें यहाँ पे लिखा होगा यामा मोटरसाइकिल कनेक्ट X, ये वाली करनी है। जो Y वाली है ना दूसरी, वो FV X वाले वेरिएंट के लिए, FV S वाले के लिए ये X वाली ऐप है, जो भी मतलब आप समझ होंगे। तो मैंने इंस्टॉल कर रखी है, तो इसको ओपन कर लेना है। और ओपन हो रही है, यहाँ पे आपको साइन इन नहीं करना है, ये देखो साइन इन वाला ऑप्शन आ रहा है, आपको करना है साइन अप। यहाँ पे नेम डालना है, ईमेल आईडी आपकी जो भी है, पासवर्ड वगैरह आपको रख लेना है, फ़ोन नंबर डालना है। तो मैंने पहले ही अकाउंट बना रखा है, साइन अप का हुआ है, तो मैं डायरेक्ट अपना फटाफट से मैं डायरेक्ट अपना लॉग इन कर लेता हूँ फटाफट से। और ये मैं ब्लर कर दूँगा भाई, पता लग रहा है कोई मेरी गाड़ी लेके निकल गया यहाँ से। और मेरा पासवर्ड जो है मैं वो डाल दूँगा। तो यहाँ पे साइन इन हो चुका है, अभी साइन इन के बाद क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। साइन इन के बाद आपको ऊपर यहाँ पे, यहीं पे ऑप्शन मिलेगा। वैसे तो मेरा कनेक्टेड है व्हीकल, मतलब ऐड है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे ऐड करना है। यहाँ पे ऐड व्हीकल पे क्लिक करना, और यहाँ पे जो नीचे ब्लू बॉक्स में आ रहा है ऐड व्हीकल, यहाँ पे जाना। अब यहाँ पे देखो ये पूछ रहा है चासिस नंबर, तो आपको चासिस नंबर कहाँ मिलेगा वो भी मैं बता देता हूँ। आपको चासिस नंबर मिलेगा यहाँ पे, अच्छा भाई ये देखो, ये जो है यहाँ पे चासिस पे नेक पे, यहाँ पे आपको चासिस नंबर मिल जाएगा, वीडियो में आ गया होगा, ठीक है। और तो आपको ये चासिस नंबर डालने के बाद मैं बताता हूँ क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में। देखो अभी मैंने चासिस नंबर नहीं डाला, तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे होगा नहीं। तो चासिस नंबर डालने के बाद मैं बताता हूँ ये क्या करेगा, आपको अपनी जो बाइक की है वो डिग्गी खोलनी है, सीट निकाल लेनी है आपको बाइक की। और सीट निकालने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा QR है, ये स्कैन करने का ऑप्शन आएगा, और ये स्कैन करते ही आपको और कुछ नहीं करना, आपकी व्हीकल ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन से कनेक्ट हो जाएगी। तो बस सिंपल सा ये स्टेप होता है कनेक्ट करने का। कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या क्या फ़ीचर मिलेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो नीचे फीचर आ रहे हैं, आंसर बैक का आ रहा है, लोकेट माई व्हीकल का आ रहा है, ईलॉक सेटिंग्स और हजार्ड्स भी आ रहे हैं। तो ये बता देता हूँ मैं क्या होता है आंसर बैक का, भाई मुझे भी नहीं पता क्या होता है, देख लेना यार। लोकेट माई व्हीकल में आपको लास्ट जहाँ पे आपने पार्क की होगी अपनी गाड़ी, वहाँ की लोकेशन आ जाएगी। अगर लोकेट माई व्हीकल करूँगा, अभी मेरा व्हीकल डिसकनेक्टेड है, मैं आपको रुक जाओ कनेक्ट कर लेता हूँ मैं ज़रा। ये मैंने यहाँ पे किया ऑन, और अभी मैं अपना जो है व्हीकल कनेक्ट कर लेता हूँ, ऐड व्हीकल पे ही जाना है वापस। और यहाँ पे आप ऐसे क्लिक करोगे अपनी इस पर बाइक के लोगों पे, मतलब जो भी शो हो रहा है वहाँ पे, देखो व्हीकल इज कनेक्टेड का आ गया था, यहाँ पे डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया था कि व्हीकल इज कनेक्टेड। तो यहाँ पे लोकेट माई व्हीकल में मुझे एक बार इग्निशन शायद से ऑन करना पड़ेगा, व्हीकल डिसकनेक्टेड क्यों दिखा रहा है यार, अभी तो कनेक्ट किया। तो एक मिनट, तो व्हीकल कनेक्टेड आ गया है फिर से। तो यहाँ पे हाँ हो गया लोकेट माई व्हीकल,
ये जो यहाँ पे देखो लोकेशन दिखा रहा है, ये यहाँ पे मेरी लास्ट पार्क लोकेशन है जो मैंने अभी पार्क की हुई है। यहाँ पे देखो नदी भी है यहाँ पे साइड में ही पीछे, और काफ़ी एक्यूरेट लोकेशन दिखा देता है यहाँ पे लोकेट माई व्हीकल में। और इसके बाद आपको एक सेटिंग मिल जाएगी ई लॉक। ई लॉक क्या है बेसिकली, अभी तक मैंने मुझे लगता है फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर आया हुआ है इसमें, और किसी सेगमेंट में नहीं आया। तो अगर आप यहाँ से ई लॉक इनेबल करते हो तो आपका जो ये है ई लॉक अवेल इनेबल होने के बाद आपको एक बेसिकली पासवर्ड डालना पड़ेगा बाइक स्टार्ट करने के लिए। जब तक आपका चाहे इंजन लॉक ऑन भी रह जाए उसके बाद भी, जब तक आप ये पासवर्ड नहीं डालोगे तब तक व्हीकल स्टार्ट नहीं होगा आपका। तो ये इसी में ही है, तो मैं अभी बंद कर देता हूँ, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा था इसमें हजार्ड्स हैं, तो ये देखो फ्लैशर्स ऑन हो गए होंगे, यहाँ से मैंने हजार्ड ऑन किया। तो और भी काफ़ी सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। तो कनेक्ट करने का स्टेप मैंने बता दिया, फ़ीचर आपको क्या क्या मिलेंगे इसमें ये मैंने बता दिया, सब कुछ आपको कनेक्ट करके दिखा दिया। तो भाई इस वाली वीडियो के लिए इतना ही था, आई होप आपको समझ आ गया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो भाई फर्स्ट इन सेगमेंट इसमें काफ़ी सारे फीचर आए हुए हैं, तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड ज़रूर करूँगा FZ V3 अगर आप लेना चाहते हैं, बहुत अच्छी बाइक है। मुझे ऑलमोस्ट एक महीना हो गया इसको चलाते हुए, परसों वीडियो आने वाली है इसकी फर्स्ट सर्विस की और नंबर प्लेट वगैरह लेके आएंगे, तो डेली व्लॉग टाइप होगा वो। तो खैर उसमें कुछ ऐसा फीचर नहीं होगा, बस डेली व्लॉग होगा, मज़ा आएगा, आप इंजॉय करोगे आई होप। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, बाय बाय टाटा सी यू। और हाँ सब्सक्राइब करके जान, बहुत गर्मी हो रही है भाई।